जय हिंद। तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार 21 तोपों की सलामी के बाद झंडा दोलन का कार्य किया। तब के बाद से ये 75वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है और 894 दिन लगे भारत को जब संपूर्ण अंग्रेजों से छुटकारा मिलने के बाद गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम रखा गया। इसी के साथ हम सरपंच संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार राय उर्फ पप्पू जी से कुछ बात कर लेते हैं, देश के नाम संदेश देना चाह रहे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पे आपका तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, यह स्वतंत्रता दिवस भारत के बहुत वीर सपूत, यह स्वतंत्रता के लड़ाई के लिए वो शहीद हो चुके हैं और हमारे भारत को जो स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई वो प्राप्ति बहुत ही कठिन था, लेकिन बहुत सारे वीर सपूत अपनी कुर्बानी दे करके इस भारत को स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया और यह स्वतंत्रता दिवस उसी के उपलक्ष्य में बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है और अन्य वर्ष के भांति इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर इस त्योहार को अमृत महोत्सव के रूप में लिया गया है। पूरे देश के नागरिक, जन जन, एक एक नागरिक बड़ी हर्षोल्लास के साथ इस अमृत महोत्सव को, इस त्योहार को मनाने का कार्य किया है। जैसे कि इस कार्यक्रम में इस बार हर घर तिरंगा कार्यक्रम था। हर घर, शायद हमें नहीं लग रहा है, किसी भी गांव, किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में ऐसा घर नहीं बचा होगा जहां कि इस बार स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है और पूरे देशवासी इस चीज को लेकर के बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं और अपने भारत जैसा देश पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। इस भारत देश में, इस बगिया में हर एक तरह के फूल खिलते हैं और भाईचारगी, सौहार्द, प्रेम बहुत अटूट है हिंदुस्तान के अंदर में और इस अमृत महोत्सव के मनाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय यह भी संदेश देने के का कार्य किए हैं, जो हमारा हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा, सुंदर और स्वच्छ है और आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान विश्व के मानचित्र पर एक नंबर बन करके रहेंगे और जिसमें हमारे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक एक व्यक्ति हाथ मजबूत करने के लिए जा रहे हैं और उनको सहयोग देने का कार्य करते रहेंगे और हम अपने तरफ से पूरे जिला के नागरिक को, ग्राम का चरी सरपंच को एवं पंच को, प्रखंड के बिरौल प्रखंड के सारे सरपंच एवं पंच को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, जो सब आदमी अच्छे से स्वतंत्रता दिवस को मनाने का कार्य करें और सौहार्द वातावरण, अच्छा वातावरण अपने समाज में दें, अच्छा न्याय दें, अपने अपने कर्तव्य में लगे रहें, समाज को अच्छी व्यवस्था दें, जो कहीं अपने समाज को, अपने पंचायत को
ग्राम कचहरी के बाद कहीं कोर्ट, कहीं थाना, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं हो और अच्छा से अच्छा कार्य अपने ग्राम पंचायत में ही उसको मिले, न्याय अच्छा ग्राम पंचायत में ही मिले। महात्मा गांधी जी का सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था जो ग्राम कचहरी होने से पंचायत का विधि व्यवस्था बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और हम लोग भी इस प्रयास में हैं, सदैव प्रयास में समानांतर लगे रहते हैं जो हमारे पंचायत का समस्या पंचायत में ही निदान हो जाए। जैसे कि हम अपने पंचायत में शपथ ग्रहण के बाद लगभग ये आठवां महीना अगस्त जनवरी में हम लोग ने शपथ ग्रहण किए थे और शपथ ग्रहण के बाद आठ महीना होने के लिए जा रहा है, आठवां महीना चल रहा है। और इस आठ महीने के दौरान लगभग 125 मामले लगभग रजिस्टर्ड हमारे ग्राम कचहरी में है और लगभग उसमें से 48 मामले को हमने निष्पादन करने का कार्य किया है। और उसमें भी खास करके 70% भूमि विवाद से संबंधित मामला है और भूमि विवाद से संबंधित मामला जो है वो मामला पंचायत नहीं पूरे देश में, पूरे राज्य में 70% मामला जो है सो भूमि विवाद से संबंधित ही संलिप्त है। यदि सरकार, बिहार सरकार यदि सशक्त करना चाहे, ग्राम कचहरी को सशक्त बनाना चाहे, इसकी विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहे, तो बिहार सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार का भी हमारे कोर्ट के ऊपर में जो भी आज फौजदारी, दीवानगी इस तरह के मुकदमा का बोझ है, वो बोझ भी कोर्ट का भी हल्का होगा और ग्राम कचहरी भी अपने न्याय के पथ पर चलते रहेंगे सदैव, जिसमें बिहार सरकार की सहयोग की आवश्यकता है और साथ साथ भारत सरकार की भी सहयोग की आवश्यकता है। और यदि उनका सहयोग होता है तो ग्राम कचहरी बहुत ही सशक्त और बहुत ही अच्छा कार्य करके बिहार सरकार और भारत सरकार को दिखलाने का कार्य करेंगे। सर एक मिनट, आठ महीना हो गया शपथ ग्रहण लिए हुए, एक भी मामला थाना नहीं गया कुछ है? हमारे पंचायत से एक भी मामला नहीं गया? एक मामला गया, सिर्फ एक मामला सिर्फ, गया और सिर्फ एक। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि आप धमकाने के कारण ऐसा? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, आप तक आता नहीं पाता। ये इस तरह की बात कहीं से नहीं है और कोई यदि इस बात का यदि कहीं चर्चा करते हैं तो मैं इसका खंडन करता हूं। जो हम भाईचारगी, सौहार्द, प्रेम, सद्भावना, सद्विचार देने का कार्य करते हैं और दोनों पक्ष और विपक्ष को बैठा करके और जो उचित निर्णय होता है, सही निर्णय होता है, वो निर्णय देने का कार्य करते हैं और समस्या का निदान तत्क्षण हम करने का कोशिश करते हैं और निदान करते भी हैं। और कई ऐसे मामले हैं जो 20 साल से लटका हुआ था हमारे पंचायत में, हमारे पंचायत में बहुत सारे मामले 20 साल से लटका हुआ था, बहुत बड़े बड़े केस थे और उस सब मामले को भी हमने निष्पादन किया है। इस तरह के करीब 15 से 20 मामले हैं हमारे पास जिस मामले को हमने निपटारा करके और निदान कर दिया। आप अपने भाषण में ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार बोला हर घर तिरंगा, आपने भी आज अपने भाषण में बोला, ये बोलना तो ठीक है लेकिन हर एक घर में हर एक जगह तिरंगा रहता ही है, अपना देश है तिरंगा तो रहता है, ये ऐसा भाषण में बोलना? देखिए ट्विटर पे ऐसा ट्रेंड हो रहा था कि हर घर को, जिसके पास घर नहीं है उसको सरकार घर नहीं दे रही, हर घर तिरंगा कैसे? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत 2024 तक उन्होंने संकल्प ले चुके हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के सर पर छत होगा और उन्होंने पूरा करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमको जैसे अंदाजा लग रहा है जो सफलता भी बहुत आगे तक है और 85%
आदमी के सर के ऊपर छत है और आने वाले भविष्य 2024 तक जो उनका संकल्प है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। और यह कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो संकल्प अब नजर के सामने में आ रहा है। तो अभी तक आपने जो सुना इन्होंने, ये सरपंच और सरपंच के अध्यक्ष है, ऐसे इनको गांव में पप्पू जी बोलते हैं, इनका नाम राजीव राय है ना सर। तो आज राजनीति की कुछ बात करने के लिए ज्यादा ऐसा उम्मीद नहीं, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है। फिर कभी अगर राजनीति की बात करना होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हम इनके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए उम्मीद 27 के साथ। धन्यवाद।